ग्रहण सूर्य की किस्मत होती, ग्रहण सूर्य की किस्मत होती, छोटी आयु मरता जो, राहु आयु औलाद हो शक्की, राज कमाई जलता जो। यानी कि आपके जीवन में आग और भूकंप की घटनाएं हो रही हैं, आपकी कुंडली में कहीं सूर्य ग्रहण तो नहीं है, या आपकी हथेली में सूर्य पर्वत दबा हुआ है, या हेल्थ लाइन है ही नहीं, तो सूर्य ग्रहण के कारण आपके जीवन में आग और भूकंप की घटनाएं हो जाया करती हैं। इल्म ज्योतिष लाल किताब में पंडित रूपचंद जोशी जी की कलम से आज का विषय है ग्रहण का। जब दुनियावी ग्रहण होता है, जिस समय भारत में ही ग्रहण देखा जाता है, तो गोचर में होता क्या है, क्या घटनाएं होती है गोचर में। सूरज और पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। जो पृथ्वी अपने पथ पर घूमती है, उस पथ में घूमते वक्त चंद्रमा और सूरज एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उस पर सूरज और चंद्रमा आमने सामने होने से उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो ग्रहण हो जाता है। यानी कि एक ग्रहण उस वक्त पैदा हुआ बच्चा, जब सूरज चंद्रमा और राहु आप देखेंगे उनकी कुंडली में, तो उस वक्त हकीकत में ग्रहण होगा। एक दूसरा गोचर के अनुसार राहु और सूरज का मिलन, वो भी ग्रहण है। मगर जो पहला ग्रहण हम बता रहे हैं, जिसमें चंद्रमा भी बीच में आ जाएगा, वो ग्रहण ज्यादा मंदा ग्रहण है। ग्रहण तो दोनों मंदे हैं, मगर चंद्रमा के आने से आपकी माता को दिक्कत और सेहत को दिक्कत और आयु तक को खतरा हो जाता है। यानी कि ग्रहण के वक्त कहते हैं कि माताओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, गर्भवती माताओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, छोटा बच्चा उस समय अस्वस्थ पैदा होता है। जिन कुंडलियों में सूरज चंद्रमा और राहु की स्थिति है, उसमें सूरज यानी कि उनकी जिस्मानी हेल्थ और चंद्रमा उनकी माता, स्वास्थ्य भी हल्का रहेगा और माता का स्वास्थ्य भी हल्का रहेगा। जीवन वक्त दिन और रात दुखी रहेंगे, क्योंकि रात की चांदनी और दिन का सूरज, दिन और रात दुखिया ही दुखिया रहेंगे। पैसों की दिक्कत रहेगी, माता का सुख नहीं होगा, अल्पायु हो सकता है बच्चा, तो उस वक्त पैदा हुए हुए बच्चे का उपाय तुरंत कर लिया जाए। वहीं सूरज राहु का जो ग्रहण होगा, वो आपके दुनिया में हर वक्त हर चीज में एक दीवार की तरीके से राहु का अड़चने पे अड़चने पैदा करता रहेगा, और ऐसी अड़चने पैदा करेगा कि आपके कोई भी काम सीधे तौर पर नहीं होंगे। बात करते हैं जिनकी कुंडली में सूरज राहु की स्थिति बनी हुई है, उनको दिमाग की प्रॉब्लम रहती है, नौकरी में दिक्कत बनी रहती है, सरकारी अदालती झगड़े चलते रहते हैं, जिस्म उनका हर वक्त जलता रहता है, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स या बीपी की प्रॉब्लम्स हो जाया करती है। इसलिए वो सचेत रहें और समय समय पर उपाय करते रहें। आज की वीडियो में हम एक एक करके बहुत अच्छे उपाय देने जा रहे हैं। इस वीडियो में स्किन की प्रॉब्लम, स्किन पे दाग धब्बे, काली झाइयाँ पड़ जाती हैं, चेहरे पर धब्बे पड़ जाते हैं, स्किन जली जली रहने लगती है उनकी, या उनकी बॉडी पे कहीं ना कहीं बड़े बड़े चकदे पड़ जाते हैं, या लहसुन के बड़े बड़े निशान हो जाते हैं, ये सूरज राहु की स्थिति है। यानी कि ग्रहण उनकी बॉडी पर अब त्वचा तक आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में उनके जीवन में हर समय भय, डर, आग, जहमत, बीमारी और भूकंप, जैसे दुनिया में भूकंप आता है, ऐसे जीवन में भूकंप चलता रहता है। जब ये ग्रहण कुंडली के खाना नंबर 9 में और 12 में गुरु के घर में बैठा हुआ है, या उस वक्त बच्चे का जन्म हुआ है जिस समय ये गोचर के अनुसार सूरज राहु या सूरज चंद्र राहु 9वें घर में या 12वें घर में होगा, तो ये पूरे सबाब पर होगा ग्रहण। और 10वें घर में, 11वें घर में शनि के घर में बैठने से सूरज पर एकदम टक्कर पड़ेगी, वहां पर आयु शक्की हो जाया करती है। अन्य घरों में ग्रहण की जो स्थिति होगी, वो जिस घर में बैठ हुआ हुआ ग्रहण है, एक में है, चार में है, या अन्य से कोई भी खाने में ग्रहण है, तो वो ग्रहण वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। जिस प्रकार भूकंप आता है
और एक जमीन के अंदर लावा बहता है, यानी कि ज्वालामुखी फटता है तो एक लावा बहता चला जाता है, और जहां जहां लावा जाता है वहां पर सर्वनाश करता चला जाता है। जब सूर्य की गर्मी और राहु से टकराती है तो विनाश होता है, भूकंप आता है, घटनाएं घटती हैं, यानी कि उससे लगे हुए खाने, कुंडली के खाने लगे हुए, जैसे पांच में है तो छह, और पांच से जहां दृष्टि चली जाएगी वहां तक के खानों पर ये वार कर देता है, वहां तक के खानों में कहीं ना कहीं खराबियां हो जाती हैं इस ग्रहण के कारण। अब दोस्तों बात करते हैं इल्म ज्योतिष लाल किताब में, सूर्य जो गर्मी देता है तो हवाएं चलती हैं, सर्द हवाएं जो जम जाती हैं बर्फ बन जाती हैं, और ठंडी हवाएं कभी जीवनदायिनी नहीं हो सकती, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और गर्म हवाएं ही जीवन को प्रदान करती हैं। ग्रहण के वक्त आपकी कुंडली में बैठा बृहस्पति कितनी भी अच्छी हालत का हो, वो बृहस्पति अच्छे फल नहीं देगा, यानी कि सूरज खराब होगा तो बृहस्पति भी खराब तुरंत हो जाएगा, और सूरज राहु का ग्रहण होगा तो इसका असर उसके मित्र ग्रहों पर भी आएगा, यानी कि मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति की कारक चीजें, यानी कि भाई, माता और बुजुर्गों पर कहीं ना कहीं शान और शौकत पर ये परेशानियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये अपनी उम्र यानी कि राहु उम्र तक शक्की है, शुरू में पोएट्री में बताया कि आयु राहु औलाद शक्की, 42 से 45 साल अरसा तक, उम्र तक कहीं ना कहीं आपकी औलाद की दिक्कतें रहेंगी, जहमत, बीमारी और उलझने, हर काम में रुकावट बनी रहेंगी, सरकार से कोर्ट कचहरी जुड़ जाए, मुकदमेबाजी हो जाए, ये 42 साल से 45 साल उम्र पर पूरे स्वभाव पर आकर के ही कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। वैसे तो जीवन में ये शुरू से ही घटनाएं देखने को मिलेंगी आपको, कहीं ना कहीं जब राहु एक दीवार बनकर उनके हर कदम पर अड़चने डाल रहा था तो रास्ता कहीं ना कहीं चमक दूसरी तरफ हो जाएगी, यानी कि हेल्थ अगर जो उनकी कहीं ना कहीं कमजोर है तो पैसे की तंगी नहीं होगी, और पैसे की तंगी है तो हेल्थ जरूर अच्छी रहेगी, यानी कि मसनूई ग्रह सूरज का कुंडली में होना इस समय अति आवश्यक है। बुध और शुक्र अगर कुंडली में किसी भी प्रकार, इल्म ज्योतिष के अनुसार अगर जो नाली के रूप से मिल रहे हैं, पंडित जी ने एक रूल्स दिया है नाली का, वहां पर बुध और शुक्र का मिलन, अगर जो बुध और शुक्र अच्छे स्वभाव से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं औलाद कायम होंगी और राजदरबार से भी फायदा मिलेगा, उनकी हथेली में सूरज पर्वत का अच्छा होना अति आवश्यक है, वहीं हेल्थ लाइन का होना भी अति आवश्यक है, जब जाकर के इस ग्रहण का कहीं ना कहीं मंदा असर आपके जीवन पर नहीं आएगा, अन्यथा आपको सूरज बुध का कोई ना कोई उपाय इस कुंडली में करते रहना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं पर जो उपाय आपको समय समय पर अच्छा रिजल्ट देते रहेंगे। आपके जीवन में चोरी की घटनाएं, जहमत और बीमारी आए दिन चलती रहती है, तो आप थोड़े से जो लेकर के उसको कहीं अंधेरे में एक पत्थर के नीचे दबा करके रख दीजिए, तो आपके जीवन में आग जैसी घटनाएं, बीमारी और चोरी के वाकयात, नुकसान होने बंद हो जाएंगे। दूसरा उपाय, यदि आपके जीवन में बहुत लंबे समय से आप बीमार चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके शरीर में बुखार बना रहता है और आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो थोड़े से जौ लेकर के आप उसको दूध में धो करके जल प्रवाह कर दीजिए। तीसरा उपाय, यदि आपकी जीवन में समस्याओं ने बहुत घेर लिया है और पूरे स्वभाव पर ये ग्रहण है, तो आपको ये उपाय अकेले ही करना होगा। कोयले जलाने होंगे, जलते हुए कोयले में पूरी रात तांबे का सिक्का डालना होगा और उसको आपने जल प्रवाह करना होगा। जल प्रवाह करते वक्त आपके सामने या आगे कोई भी खून का ताल्लुकदार नहीं आना चाहिए, जब जाके ही ये पूरा आपका उपाय मुकम्मल होगा। वहीं सूरज और बुध को दुरुस्त रखिए, अच्छा रखिए, उनको कायम रखिए, उनके दान करते रहिए। तो आज हम आपसे इजाज़त लेते हैं और फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।